कंफर्टेबल सबसे बड़ी कंफर्टेबल गड्डी है जी। कार से भी ज्यादा सबसे कार क्या है जी? कुछ भी नहीं है जी। कार कुछ नहीं है ना इस सामने। सही कह रहे भैया, 1000 किलोमीटर सफर काट ले जो बंदा खा ले। कार से बहुत ज्यादा इसके अंदर। अच्छा पीछे दिखाना एक बार जरा। ये फ्रंट डिफरेंशियल, ये रियर डिफरेंशियल, ये रियर डिफरेंशियल, ये 4x4, ये 4x4 का है। फाइनली मेहनत करने के बाद हमें पीछे यहाँ पे वेयर हाउस में मिल चुके हैं अपनी गुरखा। ये वाली है ग्रे कलर में गाइस, और यहाँ पे इसे थोड़ा ठीक ठाक किया जा रहा है। नई नई गाड़ी है बिल्कुल गुरखा, और भाई एक ही गाड़ी यहाँ पे खड़ी है फिलहाल के लिए तो। और बाकी जो अपनी गाड़ी है वो इससे भी ज़्यादा कॉस्टली है, बट वो भी मैं नहीं बता रहा कौन सी हम ले रहे हैं, वो थोड़ा सा आपके लिए सरप्राइज रहेगा, थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। बाकी ये है आपकी गुरखा गाइस, बहुत ट्रेंडिंग में, सही बता रहा, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। 4x4x4 है, पता नहीं क्या सिस्टम है इसका, मुझे नहीं पता। 4x4 का तो मुझे पता था कि चारों टायर में सेम एनर्जी सेम पावर के साथ आप जा सकते हो, ऑफ रोडिंग कर सकते हो। और ये आपको दिखा देता हूँ गाइस गुरखा का न्यू लुक। गुरखा के फीचर्स बताओ ना, 4x4x4 का मतलब क्या है? 4x4 का मतलब है इसमें एक तो डिफरेंशियल लॉक है। डिफरेंशियल लॉक उसका मतलब क्या होता है? 4x4 का लॉक मतलब ये है कि 4x4 तो है ही गाड़ी। हाँ हाँ हाँ, हाई लॉक में 4x4 हो रहा है इसके अंदर। इसका मतलब इससे क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जैसे गाड़ी कहीं फंस जाती है हाँ, तो आप लो लगा के गाड़ी निकाल सकते हो। अच्छा लोड 4x4 में। अच्छा लोड लगा के जो फीचर होता है ना, वो फीचर इसके अंदर। अच्छा और कोई फीचर अंदर से बताइए थोड़ा। डिफरेंशियल लॉक का अंदर है जी। डिफरेंशियल लॉक का मैनुअली गियर है। मैनुअली गियर है, सारे मैनुअल गियर है यहाँ पे। डिफरेंशियल, ये फ्रंट डिफरेंशियल, ये रियर डिफरेंशियल, ये रियर डिफरेंशियल, ये 4x4, ये 4x4 का। अच्छा ये 2x2 में है। अब ये 2x2 में है। 2x2 में अब आ रही है? नहीं अब ये गाड़ी 2x2 में है। अच्छा न्यूट्रल हो गई, 4x4 में होगी। अच्छा इफ यहाँ करोगे तो लो में होगी, 4x4 लो में चलेगी। अच्छा हाँ जी। तो भैया और कोई फीचर बताइए पीछे से। कंफर्टेबल कंफर्टेबल सबसे बड़ी कंफर्टेबल गड्डी है जी। कार से भी ज्यादा सबसे कार क्या है जी? कुछ भी नहीं है जी। कार कुछ नहीं है ना इस सामने। सही कह रहे भैया, 1000 किलोमीटर सफर काट ले जो बंदा थक जाए। स्पेस कार से बहुत ज्यादा इसके अंदर। अच्छा पीछे दिखाना एक बार जरा, पीछे दिखाना, पीछे डिग्गी का स्पेस देख रहे हो। और ऑफ रोडिंग के लिए पूरी बनी हुई है अपने, ऑफ रोडिंग की गाड़ी है गुरखा। और पीछे डिग्गी दिखा रहे भैया, और कंफर्टेबल गाड़ी है, मतलब चार बंदे आराम से बैठ के चल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसके पीछे एक अपनी छोटी ट्रॉली भी अटैचमेंट कर सकते। अच्छा ट्रॉली भी इसमें अटैच कर सकते हो, ये ट्रॉली के लिए ये हुक दे रखा है। अच्छा टाइटली येलो वाइस, इसकी रबड़े वगैरह सारी खुली हुई है ना। अच्छा इसके लिए थोड़े खिड़की खुली रही थी। अच्छा तो थार से बहुत ज्यादा स्पेस है। अच्छा थार से काफी ज्यादा स्पेस है, आगे पीछे थोड़ा कर सके तो फिर और भी स्पेस हो जाएगा, बन जाएगा येलो वाइस। 1x1 सीट है जिस थार में, वैसी सीट आती है इसमें 1x1। हां इसमें 1x1 है, मतलब अलग अलग है, समझ गया मैं। येलो भाई पीछे अपना किसका, आगे सामान नहीं है तो पीछे किसका दो, सामान है तो आगे किसका दो। और अंदर से सिस्टम थोड़ा येलो भाई, अंदर से सिस्टम देख रहे हो ये पूरा, यहाँ पे पूरा एसी वगैरह का सिस्टम दे रखा है, और सब एसी उसी सब है। यहाँ म्यूजिक सिस्टम लगेगा अभी इसका खोल रखा है। अच्छा 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 हाँ जी म्यूजिक सिस्टम। और इसकी टॉप स्पीड कितने की पकड़ लेती है? टॉप स्पीड तो इसकी पूरी जाएगी सर, मतलब पूरी मतलब कितने, फिर भी 160 और कितना एवरेज दे देती है भैया? एवरेज तो सर इसका वैसे कंपनी तो बोलती है 14 की। अच्छा मतलब ऑन रोड पे कितना पड़ जाएगा आपके हिसाब से? रोड पे मान के चलो आप 13 की 12-13 की एवरेज, 12-13 की एवरेज दे देगी भाई साहब। इसके अंदर अच्छा एयर बैग है, दोनों में इधर दोनों दोनों में एयर बैग है। अच्छा जैसे ड्राइव कर रहे हो ना जी, जी जी एयर बैग को यहाँ से आप लॉक कर सकते हो। अच्छा समझ गया हाँ जी, ये एक एयर बैग लॉक हो जाएगा। अच्छा एयर बैग लॉक हो जाएंगे, ये पूरा हमें भैया थोड़े फीचर बता रहे थे गुरखा के। यहाँ पे इसका बोनट अकेला आदमी उठा सकता है? अच्छा हैवी है और काफी लंबी है, देख रहे हो सामने से काफी लंबी भी है। मैंने मतलब वीडियो वगैरह में देखी तब तो मतलब थोड़ी छोटी लग रही थी, बट अब देखने में लग रहा तो भाई बहुत बढ़िया सही बता रहा। और कितने पड़ जाती है आपको तो पता ही है सारा? अरे भैया तो भैया काम करते हैं तो इसलिए भैया नहीं बता पाएंगे, मैं समझ सकता हूँ। समझ रहे हो ना आपकी बात, समझ सकता हूँ ये दिक्कत को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी और एलईडी लाइट्स है ना सामने, एलईडी लाइट्स है पूरी हैवी एलईडी लाइट्स है। तो आज हम कार लेने के लिए कोई और सी आए, और हमने यहाँ पे गुरखा के बारे में बता दिया आपको, क्या सीन है भाई गुरखा का, बहुत जबरदस्त। और ऊपर पूरा सामान वामान रखना चाहे वो भी रख सकते हो। तो ये है आपकी गुरखा। तो यहाँ पे भैया कह रहे कि इसका सबसे जो मेन फीचर है वो तो रहेगा जी भैया, 2.6 है। इससे क्या होता है मतलब?
इससे पहले मॉडल थे वो 2.2 थे। 2.2 थे। ये बड़ा बनाया इसका। अच्छा ये बड़ा बनाया गया FM 2.6 CR। तो ये भैया मेन फीचर कुछ बता रहे थे जो आपके भी समझ में आ गया होगा। जो गाड़ी लेना चाहते हो गुरखा, उसके लिए ये वीडियो है और आप देख लेना, ठीक है। मैंने पूरा आपको वो दे दिया, पूरा ओवरव्यू बता दिया और पूरी डिटेल्स बता दी। बाकी सब भैया यहाँ पे काम कर रहे हैं फोर्स मोटर्स के शोरूम में, और यहाँ पे वेयर हाउस है पीछे पूरा, ये देखिएगा इस। तो सब बहुत सारे यहाँ पे भैया सब काम कर रहे हैं। भैया ने हमें थोड़े बहुत बढ़िया फीचर बताए, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के लोग बहुत बढ़िया होते हैं, ये बात तो हमने देख लिया। मिस्टर ताऊजी ब्लॉग, लो ताऊजी नाम से, ये दिक्कत ना लो। तो गाइस थोड़े बहुत फीचर हमने जानने की कोशिश कर ली भैया से, और बस काफ़ी अच्छी लगी। ये तो मैंने सुना है कि थार से बहुत बेहतरीन है ये अपनी गुरखा, और बाकी मैंने समझ भी लिया भाई साहब। और जो आपको अच्छा लगा तो बता देना, जिसे लेनी हो ना भाई साहब थार ये लेना, उसका नया मॉडल आ रहा है वो तो और भी बवाल आ रहा है बवाल। बाकी आपको एक थोड़ा शॉट लेके दिखाता हूं। ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ ਚੁੱਪਰ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਤੀ ਚੁੱਟੜ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੀ ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀ ਏ ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀ ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਰਾ ਕੀ ਵਹਿੰਗ ਗੁਰਖਾ ਲੈ ਲੋ। बट गाइस गुरखा तब लेंगे जब अपनी YouTube की इनकम बनेंगे ना, हम नेक्स्ट लेवल पहुंचेंगे तब ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तब तो पता ही नहीं गुरखा से भी नेक्स्ट लेवल इसका मॉडल ना बन जाए तो तब ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अभी जो ले रहे हैं वो अपने बिजनेस से रिलेटेड ले रहे हैं तो उसका भी सीन होगा। बट बाकी भाई दिल आ गया अपना इस पे तो भाई साहब थार से भी खतरनाक है भाई, तो सिस्टम खतरनाक लग रहा जब इसे चलाओगे ना वहीं बैठने में वहाँ पे गजब। और भैया हमारे ड्राइवर साहब वहाँ पे वो ले रहे हैं फुल मजे ले रहे फुल भाई, देख रहे भाई। तो गाइस यही है यार गाइस, मेरे तो बाइक और कार के शोरूम में महंगा आके मन लग जाता है भाई साहब। मेरे तो जितना पूछो ना सबसे मुझे और थोड़ा बढ़ जाता है। ये भाई गुरखा है भाई, सिस्टम है भाई सिस्टम। भैया हरियाणा में जब भी आगे मन सा लग जाता है, जी लग जाता है भाई कैडे वाला। और अपना चैनल सुन के तो भाई सब कह रहे अरे ताऊ जी क्या बात, राम राम भाई। ये सब सीना मजा आ गया भाई, कट जाओ सोनी।